ये दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल, मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में और इसके कुछ टाइप्स को भी देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग को हम मक्सिंग भी कह सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग मैसेज सिग्नल्स और डिजिटल डेटा स्ट्रीम्स आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर ए शेयर्ड मीडियम। तो ये जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ की मल्टीपल एनालॉग मैसेज सिग्नल्स या तो डिजिटल डेटा स्ट्रीम्स कंबाइन होकर एक सिंगल सिग्नल या तो एक सिंगल मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द बेसिक एम ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग इज टू शेयर एन एक्सपेंसिव रिसोर्स बाई पुटिंग अप मल्टीपल सिग्नल्स ऑन द सेम चैनल। तो मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ होता है किसी भी एक्सपेंसिव रिसोर्स को मल्टीपल सिग्नल्स के बीच यूज़ करने के लिए। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमको दो बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला बॉक्स यानी कि ये है एक मल्टीप्लेक्सर या तो मक्स, और राइट साइड वाला बॉक्स को हम कह सकते हैं डी मक्स या तो डी मल्टीप्लेक्सर। अब मक्स के लेफ्ट साइड में हमको मल्टीपल लाइंस देखने को मिल रही है जहाँ की हर एक लाइन को एक सिग्नल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर एम नंबर ऑफ चैनल्स है जहाँ से एन नंबर ऑफ सिग्नल्स का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकता है। और वहीं अगर मक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमको एक सिंगल लाइन देखने को मिल रहा है जो कि है एक हाई स्पीड चैनल, और यहाँ पर जितने भी लो स्पीड चैनल्स है यानी कि लो स्पीड सिग्नल्स है वो इस सिंगल हाई स्पीड सिग्नल के अंदर से कंबाइन होके ट्रांसमिट होंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर कोई सिंगल हाई स्पीड चैनल है वहाँ पर हमको मल्टीपल डेटा या तो मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना है किसी अलग मशीन में, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ करके हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ एक सिंगल चैनल के थ्रू भेज सकते हैं। अब अगर एक एग्जांपल को देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का, इन टेलीकम्युनिकेशंस सेवरल टेलीफोन कॉल्स मे बी कैरिड यूजिंग वन वायर। अब टेलीकम्युनिकेशन में यानी कि जो नॉर्मल लैंडफोन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं मल्टीपल टेलीफोन से, वो एक सिंगल वायर के थ्रू एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ भी एक तरह से मल्टीप्लेक्सिंग का ही यूज़ होता है। अब जानते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। ए मल्टीप्लेक्सर इज़ द मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस दैट कंबाइन द सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांसमीटर एंड सेंड देम ओवर द हाई स्पीड चैनल। तो जो लो स्पीड चैनल होता है वहाँ पर मल्टीपल सिग्नल्स को उस चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो डिवाइस इस लो स्पीड चैनल के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो हाई स्पीड चैनल में कंबाइन करता है उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, और आखिर में उस कंबाइंड सिग्नल को हाई स्पीड चैनल के थ्रू सेंड करने में भी हेल्प करता है। अब वहीं अगर डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें, अ डी मल्टीप्लेक्सर इज़ द डिवाइस विच सेपरेट्स सिग्नल रिसीव फ्रॉम ए हाई स्पीड चैनल इनटू डिफरेंट सिग्नल एंड सेंड्स देम टू रिसीवर। ये जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है ये एक तरह से मल्टीप्लेक्सर का उल्टा काम करता है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर से आने वाला जो सिग्नल होता है जो कि हमको हाई स्पीड चैनल के थ्रू मिलता है उसी को ये रिवर्स कर देता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे लो स्पीड चैनल के थ्रू उन सिग्नल्स को डिवाइड करता है, और आखिर में इन सारे इंडिविजुअल सिग्नल्स या तो डिवाइडेड सिग्नल्स को भेजता है रिसीवर तक। तो इससे जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये फुलफिल होता है। अब अगर मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमको टोटल फोर टाइप के मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिलते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हम FDM कहते हैं, दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको TDM कहा जाता है, तीसरा है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको CDM कहते हैं, और फोर्थ है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको SDM कहते हैं। तो इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बैंडविड्थ इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स।
यानी कि एक तरह से जो हाई स्पीड चैनल होता है वो बहुत सारे मल्टीपल्स लो स्पीड चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। अब अगर इसके कुछ एडवांटेजेस को देखें, द यूज़र कैन एड इट टू द सिस्टम बाई सिंपली एडिंग अनदर पेयर ऑफ ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर एंड रिसीवर डीमॉड्यूलेटर। तो किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अगर हम FDM का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको सिंपली अनदर पेयर ऑफ ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर या तो रिसीवर डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करना पड़ता है। और जो सेकेंड एडवांटेज है, FDM सिस्टम सपोर्ट फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन फ्लो विच इज़ रिक्वायर्ड बाई मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। FDM में मेनली फुल डुप्लेक्स का यूज़ होता है, तो इसीलिए ये हर तरीका के जितना भी एप्लीकेशन होता है सभी को सपोर्ट करता है। अब अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देखें, इन द FDM सिस्टम द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। तो यहाँ पर जो इनिशियल कॉस्ट लगता है वो बहुत ही हाई रहता है। अ प्रॉब्लम विथ वन यूज़र कैन समटाइम्स अफेक्ट द अदर्स। तो क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं एक ही साथ कनेक्टेड, जो कि एक सिंगल हाई स्पीड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई एक यूज़र को प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे यूज़र को भी देखने को मिलता है। अब थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है, ईच यूज़र रिक्वायर्ड ए प्रिसाइज कैरियर फ्रिक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स। अब अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, द शेयर्ड चैनल इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग इट्स यूज़र यूजिंग टाइम स्लॉट। ईच यूज़र कैन ट्रांसमिट डेटा विद इन द प्रोवाइडेड टाइम स्लॉट ओनली। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो मेन शेयर्ड चैनल होता है जो कि हाई स्पीड चैनल होता है वो मल्टीपल स्मॉल चैनल्स में डिवाइड होता है बहुत सारे टाइम स्लॉट्स के थ्रू। तो यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल के अंदर कंबाइन करने के लिए मेनली टाइम का यूज़ होता है, जहाँ कि हर एक चैनल को एक इंडिविजुअल टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है और उसी टाइम स्लॉट के अंदर उसका जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो प्रोसेस किया जाता है। अब अगर TDM के एडवांटेजेस को देखें, इट यूजेस ए सिंगल लिंक। तो यहाँ पर सिंगल लिंक यूज़ किया जाता है जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग में। इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रिसाइज करियर मैचिंग एट बोथ एंड ऑफ द लिंक। तो यहाँ पर बोथ एंड यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन एंड में अगर प्रिसाइज करियर ठीक तरह से मैच नहीं भी हो तो भी तब भी ये यूजुअली वर्क करता है। अब जो थर्ड एडवांटेज है, एक्सपेंड द नंबर ऑफ यूज़र ऑन ए सिस्टम एट ए लो कॉस्ट। तो यूज़र्स एक्सपेंशन के टाइम पे यहाँ पर जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो रहता है। देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम ऑन ईच पैकेट। तो यहाँ पर हर एक पैकेट के लिए यानी कि हर एक इंडिविजुअल पैकेट्स के लिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब अगर डिसएडवांटेजेस को देखें, दी सेंसिटिविटी टू अदर यूज़र इज़ वेरी हाई एंड कॉजेज प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हर एक यूज़र्स के लिए जो सेंसिटिविटी होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम स्लॉट होता है यानी कि हर एक टाइम स्लॉट का जो टाइम रेंज होता है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए अगर कोई भी यूज़र का टाइम स्लॉट एक्सपेंड होता है तो वो दूसरे यूज़र्स को अफेक्ट करता है। अब सेकेंड जो डिसएडवांटेज है, द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। तो मेनली जो TDM का इनिशियल कॉस्ट होता है जिसको हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं वो बहुत ही हाई रहता है। अब जो थर्ड डिसएडवांटेज है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मोर। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे आपने अगले वीडियो में।